ये जो आप लोग का धरना दिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आप लोग क्या चाहते हैं? आज युवा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे बिहार के 38 जिला में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिहार की बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए हम लोग आज का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हैं। हमारी मांग सरकार से यही है कि हम लोग 2017 से TET क्वालिफाई करके रोड पे घूम रहे हैं और सरकारी हमारी बहाली रोक कर रखी हुई है। ये बहाना बना रही है सरकार की सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट में केस कब तक चलेगा, कब तक उसका फैसला आएगा कोई नहीं जानता है। वैकल्पिक व्यवस्था के द्वारा वो गेस्ट टीचर की बहाली कर रही है और हम लोग TET पास होकर भी BED सब कुछ हमारे पास योग्यता होते हुए भी आज हम लोग 2 साल से रोड पे घूम रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि हमारी बहाली यथाशीघ्र लोकसभा चुनाव से पहले हो, वरना हम लोग पूरे 50,000 बिहार के साथ ही नोटा का दबाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में नोटा दबाएंगे। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह, कैमूर शिक्षक बहाली मोर्चा जिलाध्यक्ष। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। हमारे अध्यक्ष साहब कैसे व्यवस्था रखे हैं? कोई भी ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। वो इस तरह से सोई हुई है, कान में तेल डालकर के। हम लोग लगते हैं बार बार हंगामा कर रहे हैं, फिर भी वो कुछ कोई भी ध्यान नहीं आकृष्ट हो रहा है। बार बार एक ही बहाना बना दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बहाना आएगा तो आप लोग की बहाली होगी। सुप्रीम कोर्ट का बहाना बार बार एक ही चीज में। तो हम लोग इस तरह से आगे से सुप्रीम कोर्ट का बहाना का हम लोग वेट नहीं करेंगे। हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन करेंगे। अभी तो ये हरेक जिला वाइज प्रदर्शन हो रहा है। अगला हम लोग का निर्णय है कि हम लोग पटना में प्रदेश स्तर पे हम लोगों ने ऐसा गठन कर दिया है कि शिक्षक बहाली मोर्चा बिहार के 3800 जिलों में गठित हो चुका है। अगर अगला बार से हम लोगों को अगर बहाली की बातों को नहीं सुनी जाती है तो इस बार उन नीतीश कुमार को हम लोगों को कुर्सी से हटाना है। किसी भी हाल में नीतीश कुमार को हम लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं।
बहाल ही नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं।